आज स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं साथ में और देखते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, मतलब किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित करते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था उसकी आर्थिक क्रियाओं पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हम उसे डिफाइन करते हैं। एक लाइन में परिभाषा कही जाए तो वो किस लैंग्वेज में, ये हो सकती है जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के तौर पर परिभाषित करते हैं तो वो उसकी अर्थव्यवस्था कहलाती है। और पॉइंट वाइज देखते हैं, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, वो जो कि हैं एडम स्मिथ, उनको अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। और अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, अर्थशास्त्र की छोटी इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में उसे व्यष्टि बोला जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और सेकंड पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में जॉन मेनार्ड कीन्स ने विभाजित किया था। समष्टि अर्थशास्त्र को डिफाइन किया था। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय अर्थशास्त्र किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, जो कि है विकासशील। हाँ, और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, देयर आर सम पॉइंट्स। कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तथा बढ़ती बेरोजगारी। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषाएं विशेषताएं किस तरह से हैं। देखिए, कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय और बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसके अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलजुल कर कार्य करते हैं। जो भारत की अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिलाजुला रूप देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों की देन है। जॉन मेनार्ड कीन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को डिफाइन किया था। ठीक है, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, आयात निर्यात गतिविधियां ना होना। जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात की गतिविधियां इंक्लूड नहीं होती वो होती है बंद अर्थव्यवस्था। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है। जॉइंट सेक्टर, उसमें कौन कौन सा रोल्स होता है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है। संयुक्त क्षेत्र ये दर्शाती है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को। संयुक्त क्षेत्र कौन कौन से, किसको कहते हैं, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र इंक्लूड होते हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मतलब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें इंक्लूड रहते हैं वो होता है संयुक्त क्षेत्र, मतलब जॉइंट सेक्टर, दैट्स क्लियर। और अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वो होता है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शामिल किया गया था प्रदान किया गया था सॉरी वो मिला था वर्ष 1969 में वर्ष 1969 में 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे, वो थे अमर्त्य सेन। कौन थे, अमर्त्य सेन।
अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था। मतलब जो इंडिया के ओरिजिन हैं अभिजीत बनर्जी, वो दूसरे व्यक्ति हैं भारतीय जिन्हें यह पुरस्कार वर्ष 2019 में मिला था। उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा एक अमेरिकी मूल की माइकल क्रेमर के साथ मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। किस में पाई जाती है, कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें जो राष्ट्रीय आय होती है और प्रति व्यक्ति आय होती है और निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है, वो होती है विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे कि अमेरिका की विकसित अर्थव्यवस्था है, इंग्लैंड की, ये दो कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है, हस्तक्षेप के सिद्धांत लेजर फेयर का प्रतिपादन किसने किया था। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, वो आधारित है न्यास के सिद्धांत पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। वह अर्थव्यवस्था, एक अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था, बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है जिसमें आयात निर्यात नहीं होता है। जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होता वो होती है बंद अर्थव्यवस्था। तो वह अर्थ, इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से व्यापारिक संपर्क नहीं होता। वह अर्थव्यवस्था जिसका विश्व के अन्य देशों से व्यापारिक संपर्क नहीं होता वो होती है बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, वो होती है बंद अर्थव्यवस्था। तो आई होप थोड़ा सा रिविज़न हुआ होगा आपका। सो करते रहते हैं ऐसे रिविज़न। थैंक यू।